बड़ी खबर, जहां बता दें यूपी बोर्ड का रिजल्ट, जहां 10वीं में 89.78% छात्र पास हुए हैं और 12वीं में 75.52 छात्रों के पास होने को लेकर ये सबसे बड़ी खबर है। फैसला लिया है बच्चों के हितों को देखते हुए पीएम ने ये फैसला लिया है। आज जो हाई लेवल मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं देने वाले सभी परीक्षार्थी जो कि रिजल्ट के इंतजार में थे, उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है। 58 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थियों ने इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन किया था और लाखों छात्र ऐसे हैं जो कि रिजल्ट के इंतजार में बेसब्री से बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इस बार की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 22 फरवरी से 9 मार्च के बीच में चला था और अब बच्चों की कॉपी भी चेक हो चुकी है, केवल और केवल वो रिजल्ट के इंतजार में है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इस बार फटाफट कॉपियों की चेकिंग 12 दिन में पूरी कर ली गई और उत्तर प्रदेश ने शिक्षा सुधार के मद्देनजर रखते हुए अप्रैल के तीसरे सप्ताह में बच्चों का रिजल्ट घोषित करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड के सभी अधिकारियों को परिणाम जारी करने के लेकर निर्देश भी जारी कर दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि परिणाम समय से जारी कर दिया जाए ताकि बच्चे अगली कक्षा में प्रवेश भी आसानी से ले पाए, उनको कोई भी व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके कारण ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इस बार की बोर्ड परीक्षा में जो भी छात्र प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले हैं, उनको पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। प्रथम आने वाले टॉपर को 1 लाख रुपए की नगद राशि और द्वितीय टॉपर को 75,000, तृतीय टॉपर को 50,000 रुपए की नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सभी 10वीं और 12वीं देने वाले छात्र छात्राओं के लिए। अब बात कर ले रिजल्ट कब आएगा, उससे पहले आप जिस भी जिले से ये वीडियो देख रहे हैं अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो रिजल्ट के बारे में बात कर ले, 25 अप्रैल को बच्चों का रिजल्ट आना है, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सभी 10वीं और 12वीं देने वाले छात्र छात्राओं के लिए। रिजल्ट का ऐलान हो चुका है।